वो आपको सच बताएगी, क्या उसको पता कौन सी बेटी है। अच्छा आंटी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक लड़की है, उसने अपने बेबे के साथ प्रैंक करवाना, कहती है जी मेरे अब्बा जी होते हैं इस्लामाबाद और मेरी अम्मा को शक है कि उन्होंने वहाँ पे दूसरी शादी की हुई है। तो हम इस शक को पक करने लगे हैं और करने लगे हैं। बहुत शक करती है, इतना शक ना किया करो अल्लाह की बलियो। कॉल कर रहे हैं अब हम बेबे को, कॉल करने लगे हैं और बेबे का शक जो है पक में बदल देना और मजा आ जाएगा गाइस। लाइक द चेरी, हमारे साथ रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखा करें विदाउट स्किप किए। या हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? हाँ मैं भी ठीक। आप सबकी वाइफ बात कर रही है ना? अच्छा, कल रात को ना आपका नंबर निकालना था उनके फोन से। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे तो मेरे भी हैं ना। मामा पैसे देना बेटा, देती हूँ ना, ठहरो जरा, देती हूँ। मुझे 50 रुपये दे दो। बच्चे देती हूँ ना, मैं देती हूँ आपको, मैं आंटी से बात कर रही हूँ। मैं अच्छा सेल्फ अलीशा, ठीक है, अलीशा राजपूत, और मेरे से शादी की थी उन्होंने। अच्छा। मुझे उन्होंने कभी बताया ही नहीं था कि उनकी शादी हुई है। उस दिन फिर मुझे तो डाउट हुआ ना, जाहिर सी बात है औरत से कब तक चीज छुप सकती है। मैं इस्लामाबाद। इस जगह पे F9 आपके बूढ़ी हो। मैं तो आवाज से आपको क्या लग रहा है? आवाज से तो थोड़ी यंग है ना मुझे। थोड़ी कैसे? थोड़ी नहीं, काफी यंग हूँ। मुझे इन्होंने कहा था मेरी काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे प्लॉट्स हैं और मतलब घर भी मुझे लेके दिया था। लेके घर बैठे हुए किधर है? F9 में। F9 में घर अपना? हाँ अपना घर है। अच्छा, तो 3 दिन से लापता है। क्यों? पता नहीं। अगर अगर वो आपसे मतलब कॉल पे बात नहीं करते तो वो फिर किससे चुप चुप के कॉल पे बातें करते हैं? हमें क्या पता, मेरे साथ तो उनकी कभी बात ही नहीं हुई, 4 साल हो गए। मुझे जहाँ तक सुनने में आया ना कि उन्होंने किसी और के साथ अफेयर चला लिया। आप किसी और के साथ भी? तो अच्छी बात है। आप जाने, आपने कोई सोच के ही शादी की होगी, कोई होगा। मेरी शादी को 22-23 साल हो गए। तो आप लोग आपस में अलग क्यों हुए थे वैसे, वजह क्या थी? वजह वो खुद ही है ना, खुद डाउट में कि ये जो घर लेके दिया ना ये खरीदा नहीं है। आ जाए अंदर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है अभी आपका? ठीक है अल्लाह का शुक्र। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो घर है ना जी, वो अजय भाई ने हमसे लिया था रेंट पे। ये रेंट पे था घर? मैं आपको कल भी अर्ज करके गया मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स है, मेरे नाम पे है भाई, आप कैसे कह सकते हैं? बाजी मेरी बात सुने, पता क्या बात है, आप जो है ना मेरी बात सुने तसल्ली से। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स क्या फाइलें फूलें लेके आए हो? बाजी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये किराया नाम है, ठीक है, ये देखें उसके फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं। तो ये घर जो है ना 2 दिन के अंदर अंदर आपने खाली करना, नहीं तो मजबूर है। मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? बाजी इस चीज का मुझे नहीं पता, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो जो मालिक है ना इस घर का असल, उसने 2 दिन का टाइम दिया, वो दुबई से खुद शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ। मैं करती हूँ इसके पापा बाजी, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में आपका सामान बाहर होगा घर से। मैं खुद ही देखती हूं। बहुत शुक्रिया बाजी आपका। ओके भाई, दरवाजा बाहर का बंद कर दीजिएगा। हेलो, आई एम सॉरी, आप कॉल पे हैं? जी जी मैं कॉल पे हूँ। ये आप क्या कोई ड्रामा कर रही है क्या? क्या मतलब? नहीं मैंने कहा इतनी जल्दी कोई आपको और ड्रेस अंदर भी आप बना लेती हैं मर्दों को। एक्चुअली मैं इन्हीं से घर लिया था, इनका नाम है हैदर, हैदर भाई। मतलब बड़े अच्छे हैं ये, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो वो एग्रीमेंट को जो दिखा रहे थे उसके अंदर तो 4 दिन पहले एग्रीमेंट खत्म हो गया हुआ है। आप एक काम करें, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताएं, मैं आपके घर आ जाती हूँ। मेरे घर क्या? हम दोनों बहनें मिलके अपने 6 बच्चे पाल लेंगे।
नहीं तो मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि हम दोनों बहनें मिलके ना हमारे 6 बच्चे होंगे टोटल, तो उन्हें पाल लेंगे। मैं तो ना किसी के साथ मिलती हूँ ना कुछ, अल्लाह का शुक्र है मेरे पेरेंट्स हैं, भाई हैं, मुझे कोई मसला नहीं। तो आप ऐसा करें ना, मेरा तो कोई भी नहीं स्टूडियो में। नहीं आप ऐसा करें ना, उसके पेरेंट्स हैं ना जिंदा है अभी, बहन भाई जिंदा है, उनसे रब्ता करें, उनके पास जाए, उनके भी तो नंबर होंगे। अच्छा केस करवाने लगी हूँ इस पे ना, दावा हक महर का। दावा हक महर देखिए ना, मुझे तो उसने ऐसे शो करवाया था, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तो आपको पता है लड़की जब पैसा देखती है तो पिघल जाती है, मैं भी पिघल गई थी। गाड़ी में आता था और ऐसे पैसे लुटाता था, मैं तो बाली उम्र थी मेरी, मैं क्या करती। पेरेंट्स हैं मेरे, यूके होते हैं। तो उनसे कहें, उनसे हेल्प लेंगे। नहीं वो मुझे मुंह नहीं लगाते। आप उनके पेरेंट्स से बात करें, उससे बात करें, उसे ढूंढें, जो मर्जी करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। नहीं तो आप मतलब एक, मैं एक बेसहारा लड़की हो चुकी हूँ, तो आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी? आप मुझे कोई मशवरा तो दें, कम अज कम मैं क्या करूँ, मैं तो फंस चुकी हुई हूँ। मैं क्या मशवरा आपको दे सकती हूँ, आपने पहले मशवरा लिया है? अब ले रही हूँ ना, हम तो खुद दूसरों के बैठे हैं, मेरा तो खुद जो अखराजात है वो मेरे पेरेंट्स उठाते हैं। आपकी बात तो ठीक है, आप इन्वॉल्व ना हो, पर मैं आपको एक बात बताऊं, आप परेशान तो नहीं है ना? नहीं नहीं मैं क्यों परेशान। आपके पास कौन बैठी हुई है इस टाइम? जी आपके पास आपकी बेटी बैठी हुई है? नहीं। आप अकेली हैं? जी। इसको आवाज दें जरा, अपनी बेटी को बुलाए ना, बुलाए, वो आपको सच बताएगी। क्या? उसको पता है। कौन सी बेटी को? अच्छा आंटी पता क्या, सॉरी प्रैंक कर रहे हैं आप। आंटी मैं आपकी, आपके हस्बैंड की दूसरी विधवा बीवी बात कर रही हूँ। क्या प्रैंक कर रहे हैं? मैं ना मुझे मुझे पता चल गया था। नहीं आंटी आपको पता नहीं लगा था? नहीं लग गया था। अच्छा चले आप भड़े, आपकी बात मान लेता हूँ मैं, आपको पता चल गया था। बाकी तो खुश रहे, सलामत रहे, आप आ रहे, अगर आपने को गालियाँ शालियाँ देनी है तो दे ले। अच्छा मेरी बात सुनिए आंटी, एक सवाल है आपसे। आंटी आवाज ठीक थी वैसे? आंटी एक सवाल है आपसे, आप वाकई इतना तंग है अपने हस्बैंड से? नहीं मतलब आप उस लड़की को बदजन कर रहे थे कि उसको छोड़ दे। और क्या सही है।